नमस्ते, मेरा नाम है दीपिका सिंह गोयल। ये मैसेज एक रिक्वेस्टिंग मैसेज है, स्पेशली टू दिल्ली गवर्नमेंट एंड अरविंद केजरीवाल जी। सर, मेरी मम्मी जो है उनकी उम्र 59 इयर्स है और वो दिल्ली में है मेरे फादर के साथ में, और उनकी आज की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है कोरोना की। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ कुछ 4 से 5 दिन पहले, मगर रिपोर्ट जो है उनको अभी तक हाथ में नहीं दी है। सिर्फ पापा को बोला कि उस रिपोर्ट की फ़ोटोग्राफ खींच के ले जाए, और उनके पास व्हाट्सअप भी नहीं है। हमारे हाथ में रिपोर्ट नहीं है तो हम किसी हॉस्पिटल में भी उनको नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ, मेरा एक छोटा बेटा है, मेरे लिए यहाँ से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। कल मेरी बहन अनामिका सिंह उनके पास फ्लाइट से गई है, पर उसको भी नहीं पता था कि मम्मी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मम्मी को सिर्फ फीवर था और टेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का। इसी वजह से विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन हमने जो है उनका टेस्ट करवा दिया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट। ऐसा लग रहा है कि जैसे समय का पहिया जो है उल्टा चलना शुरू हो गया है। तो अभी सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी जिस फैमिली में रहती है, मेरी जो जॉइंट फैमिली है पहाड़गंज में आर्या नगर में, वो कुछ 45 लोग एक साथ रहते हैं एक जॉइंट फैमिली में। मेरी दादी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और मेरे पापा भी सस्पेक्टेड हैं। मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, कल से वो उनकी सेवा कर रही है, आज ही उसको पता चला है कि मम्मी पॉजिटिव है। तो कई सारे लोगों का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे लोग मम्मी के संपर्क में आए हैं और मम्मी को भी ये कैसे हुआ है, क्योंकि मम्मी तो घर में ही रहती हैं, वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और रिपोर्ट हाथ में नहीं है, उनका एक्सरे कैसे करवाएं, सब यही बोल रहे हैं कि घर पे ही रहें, घर पे ही अपना इलाज करें। मगर घर पे रहने से हम उनका चेस्ट एक्सरे कैसे कराएंगे, कैसे पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इससे पहले वो कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर फील नहीं की है। हमें उनका तुरंत इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर कोई भी सोर्स नहीं है मेरे पास दिल्ली में कि मैं किसी भी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छा हो उसमें इलाज हो जाए उनका, मगर कहीं भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। दवाइयों की कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, किसी डॉक्टर ने उनको कोई फ़ोन नहीं किया है, ना ही रिपोर्ट हाथ पे दी है। जब तक लेडी हार्डिंग से हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे उनको किसी हॉस्पिटल को जाके बोलेंगे, फाइल तैयार कराएंगे कि यू नो उनको एडमिट कीजिए। और स्पेशली जहाँ भी बात कही है सभी कह रहे हैं कि बेड्स फुल है, एडमिशन नहीं हो सकता है, घर पर ही रखिए। पर सर ये घर पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि 45 लोगों की फैमिली है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बाकी सब लोग भी आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है खतरे में आ जाएंगे। और ज्वाइंट फैमिली का भी बहुत प्रेशर है, सब लोग डरे हुए हैं। तो प्लीज़ आई रियली नीड योर हेल्प, और स्पेशली टू केजरीवाल जी एंड दिल्ली गवर्नमेंट, आई रियली नीड योर हेल्प। प्लीज़ मैं आपको नंबर अपने हस्बैंड का बता देती हूँ, रोहित हैं उनका नंबर है 9833649679। आप प्लीज़ किसी भी तरह से उनको कांटेक्ट करें। अगर हमें कोई भी आप वो भी बॉम्बे में है, मैं अपनी सिस्टर का नंबर नहीं दे सकती बिकॉज वो मम्मी पापा की सेवा करे कि वो फ़ोन उठाए, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में है। तो प्लीज़ सर प्लीज़ हमें बताएं कि हम उनको कौन से हॉस्पिटल में जो है लेकर जाएं और कैसे उनका इलाज करवाएं, और बाकी सब जो 45 मेंबर्स हैं एक फैमिली के अंदर उनका कैसे टेस्ट होगा। प्लीज़ मेरे इस मैसेज को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। ये मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन बचा था, बहुत वक्त से कुछ 4 से 5 घंटे मैंने सब सोर्सेज लगा लिए, सब कॉन्टैक्ट कर लिया, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहीं से कोई भी होप नहीं मिल रही है। वो बेचारी घर पर ही है, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ हेल्प अस, थैंक यू।